IVM. The Croc's Tales. Words aapke, kahani aapke liye. By Anand Sivakumaran. Cockroach, a revenge story. Part 4. Story so far. Avanti ke life mein bhari KLPD ho jata hai when her date Gaurav runs out of her bed and house almost nanga. Kyunki usne ek cockroach dekh liya tha. Apne ghar ko cockroach muk karte huye, Avanti finds her ex-roommate Richard's drugs. When Avanti tries this meth, उसे दिख जाता है a scene from a past life जहां गौरव ने उसका मर्डर किया था. Now Avanti wants badla. And since गौरव का सबसे बड़ा डर है cockroach, वो गौरव के फ्लैट में घुस के उसमें 79 जिंदा cockroach छिपा देती है. और अब गौरव के घर आने का वेट कर रही है. Starting line for this part, her best experiences were in her dreams. The alarm always went off and woke her. Suggested by Sushmita Shetty. Her best experiences were in her dreams. The alarm always went off and woke her. In this case, the alarm was her phone. Avanti apni gaadi mein thi, waiting for Gaurav to come home. Wo apne elaborate pratishodh ka nazara first hand apne aankhon se dekhna chahti thi. While she waited, she dreamed. Ek nanga Gaurav, cockroach ke attack se bachne ke liye ceiling fan pe chadke baitha hai. बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है. पूरी सोसाइटी उसे देख के ROFL हो रही है. लोग वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही है. तभी फोन की घंटी बजी. इट वॉज रिचा. वैसे तो अवंती वुड नॉट अलाउ दिस प्रेशियस मोमेंट टू बी डिस्टर्ब्ड, बट रिचा और उसके मेथ की वजह से ही शी हैड मैनेज्ड टू सी हर पास्ट. वरना उसे घंटा पता चलता कि गौरव ने एक प्रीवियस जन्म में उसका मर्डर किया था. एक तरह से देखा जाए तो रिचा के बिना तो ये रिवेंज पॉसिबल ही नहीं था, तो उसका फोन उठाना तो बनता था. एंड दैट्स व्हेन अवंती इस प्लान की बूछ लग गई. बेब्स, वो कोई पास्ट लाइफ नहीं था. अवंती ने थैंक्स के साथ रिचा को पूरी स्टोरी बता दी थी. जवाब में मिला ये बॉम्बशेल. क्या बकवास कर रही हो? आई एम टेलिंग यू, मैं राजकुमारी थी, वो मेरे महल में आया और. अरे मैं कहां बोल रही हूं कि तुमने नहीं देखा, पर वो कोई पास्ट लाइफ नहीं, जस्ट अ हैलुसिनेशन. मेथ के साथ ऐसा होता है, स्पेशली फर्स्ट टाइम. आदमी बिरयानी खाने का प्लान बनाए और फिर कोई उसे बताए कि बेटा नवरात्र चल रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन हाउ फ्रस्ट्रेटेड ही वुड बी. अब सोचिए अवंती की हालत. प्लान किया उसने तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबकी कहानी बना ली थी. उस कहानी के बेसिस पे एक पूरा रिवेंज ड्रामा स्क्रिप्ट कर दिया था एंड पुट इट इनटू एक्शन आल्सो. इट्स लाइक कोई समंदर पार करके लंका जाए, रावण और सारे राक्षसों का वध करे और फिर टेलीग्राम आता है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, सीता मैया तो फॉरेस्ट में खो गई थी, किडनैपिंग का न्यूज वॉज हाईली एग्जैजरेटेड. नो वंडर अवंती डिडंट वॉन्ट टू बिलीव रिचा. रिचा को पूरे 22 मिनट लगे अवंती को समझाने में कि मेथ के इन्फ्लुएंस में आदमी काफी रंगीन सपने देखता है. ड्रीम्स इन विच ऑल द हिडन डिजायर्स टेक शेप, जैसे अवंती का राजकुमार होना. बट साथ में हमारे जो सबकॉन्शियस फीलिंग्स हैं वो भी इन हैलुसिनेशंस में शो अप करते हैं. अवंती वॉज एंग्री विद गौरव, राइट नाउ ही वॉज पब्लिक एनिमी नंबर 1 इन हर लाइफ, तो ड्रीम में भी वो विलनी बन के आया. उसने रियल लाइफ अवंती के होप्स और एक्सपेक्टेशंस का मर्डर किया था, उसी का मैनिफेस्टेशन था कि सपने में उसने एक्चुअली अवंती का खून किया था. अवंती बिलीव नहीं करना चाहती थी, पर तभी उसे याद आया कि ड्रीम में जो म्यूजिक बज रहा था दैट वॉज फ्रॉम एन आईपॉड एंड डॉक. शरबत वाले ट्रे में शॉट ग्लासेस थे और गौरव जब अवंती को डुबा रहा था देयर वॉज अ टैटू ऑन हिज रिस्ट विच वॉज अ वर्ड इन इंग्लिश, राइज. What she had seen was a hallucination, not a past life regression. Gaurav ne kabhi uska murder nahi kiya tha and she had no reason to take badla on him. But uske ghar ko to usne already cockroachon ke hawale kar diya tha. Avanti was overcome by guilt. Mana ki Gaurav fattu tha, uski wajah se Avanti ka KLPD hua tha, but he didn't deserve to get bajaud like this. She had to stop it. Aur tabhi she saw Gaurav's car driving into the building. It was too late.
गौरव के घर में घुस के सारे कॉकरोचों का खात्मा करने का टाइम तो नहीं था, एक ही रास्ता था। Somehow she had to stop Gaurav from going home, but कैसे? And then in a flash, जिस तरह से प्रिंस सिद्धार्थ got his enlightenment and became the Buddha, बिना बोधि ट्री के नीचे बैठे हुए ही अवंती को भी अपना जवाब मिल गया। गौरव अपनी गाड़ी से निकला, he started walking towards the building, and then he came to a dead stop. अवंती was standing in front of him. गौरव के मन में क्या चल रहा था? None of us can imagine. Unless one of us has run out of a girl's bedroom nanga without giving her the business. But haan, itna to guess kar hi sakte hain that he was feeling like a loser, a schmuck, ekdam nikamma nakara, good for nothing. Wo to Avanti se aankhein bhi nahi mila pa raha tha. Until she walked up to him and took his hand in hers. Gaurav chong gaya. He was expecting galis, a thappad, not haathon mein haath liye guftagu. Avanti, I'm so sorry. Sachi? I swear, मेरे बस में होता तो I would go back in time and change everything जो उस रात को हुआ। Okay, do that. Gaurav stunned. What the hell did Avanti mean? Oh, forget the going back in time part. बाकी सब बदलो ना। Gaurav का अभी तक चमक नहीं रहा था। अरे घर भी वही है, मैं भी वही हूँ। उस रात को जो नहीं हुआ, वो आज रात। Gaurav की बल्ब जल गई। He didn't waste time talking. That night. The cockroaches had a gala time in Gaurav's house. कोई उन्हें disturb करने नहीं आया। रही बात गौरव और अवंती की, use your imagination. This is a family show, huh? So we cannot describe things that might upset people above the age of 60. Let's just say that tonight was a good, good night. So good that Avanti didn't wake up till 10 the next morning. Unfortunately, Gaurav 7 बजे जाग गया था. When his phone alarm rang, he had gotten dressed, kissed a sleeping Avanti and gone home. Uske baad jo hua, aap bakhubi imagine kar sakte hain. Moral of the story, don't do drugs. Hope ye story aapko pasand aayi. New story coming on Monday. And if you'd like to send me a word or phrase to start any of the parts of my stories, send it to me at anand@planetcrocktales.com. That's A-N-A-N-D at planetcrocktales.com. Till next time, goodbye. Shunya one. $1 billion acquisition. Another copycat startup got formed. No, the tech world in India is surely moving double the speed of this voiceover. Tune in to Shunya One every Tuesday to catch us talking to the smartest people we know on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from. अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी आपको दुविधा हो जिसका सवाल कोई दे नहीं पा रहा, तो हमने बनाया है आपके लिए एक खास शो जिसका नाम है सुन लो जी सुर लो जी, जिस पर मैं पवन कुमार आपका सूत्रधार आपका स्वागत करता हूँ ताकि आप पूछ सके सवाल सोनू से। यस आई एम सोनू, हेलो प्लीज टू मेक योर मीटिंग, आई एम सुपर रियलिटी सेलिब्रिटी और दुनिया के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो सेलिब्रिटी सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का हलाइजेशन एंड सॉल्वाइजेशन कर दूंगा। तो जी हाँ, सोचिए मत, जरूर सुनिए सुन लो जी सुन लो जी हर बुधवार, दैट इज वेनेसडे। प्लीज लाइक आए शेयर आए कमेंट लाए, अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स है सोनू को बताइए, सोनू सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इसी तरह तो मैं सुपर सेलिब्रिटी बना हूँ।